मार्ग वही श्रेष्ठ है जो मन को सुख व दुख से मुक्त कर सके। क्या श्रम दुख है? नहीं, श्रम दुख से भिन्न है। श्रम व्यक्ति का साथी है, उसी के द्वारा वह बुद्धि का विकास कर सकता है। बुद्धि का विकास ही बुद्धि में शुचिता उत्पन्न कर सकता है, और शुद्ध बुद्धि समस्त कलहों का अंत ला सकती है। शुद्ध बुद्धि ही लोगों को मार्ग दिखा सकती है। आप यहां वनों में क्यों रहते हैं? श्रेष्ठ आवास वही है जिसे कम से कम मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। देवपुत्र लक्ष्मेंद्र चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, वह आप जैसे तपस्वी उनके साथ रहें। यदि अलक्षेंद्र देवपुत्र हैं, तो मैं भी देवपुत्र हूँ। पर आपको महान अलक्षेंद्र से मिलने में क्या आपत्ति है? यदि अलक्षेंद्र को कोई आपत्ति न हो तो वे यहाँ आकर रह सकते हैं। आप अलक्षेंद्र को इनकार कर रहे हैं? यवन योद्धा, अलक्षेंद्र से कहना, अलक्षेंद्र से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मेरे पास जो भी कुछ है उसे मैं संतुष्ट हूँ। मैं देख रहा हूँ अलक्षेंद्र और उसके साथी पृथ्वी और समुद्र पर व्यर्थ ही घूम रहे हैं। अलक्षेंद्र के अधिकार की किसी वस्तु की भी मुझे अभिलाषा नहीं है, और न मुझे डर है अलक्षेंद्र मुझसे कुछ छीन सकता है। मैं जानता हूं जब तक जीवित रहूंगा यह भारत की भूमि मेरा पालन करेगी। ऋतु आने पर वृक्ष फल देंगे ही, और जब मृत्यु आएगी तब इस अयोग्य साथी को छोड़कर चला जाऊंगा। Thank you.